तो आज हम कुछ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। हमने पहले भी डिविजिबिलिटी की कुछ डिस्कशन किया है और आज फिर हम डिविजिबिलिटी की कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली बार ये बताया था कि भी डिविजिबिलिटी किस सूत्र से किया था। हमने सूत्र एकाधिकेन से किया था, राइट? और हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था आप जानते ही हैं, है ना? क्या फाइंड आउट किया था हमने? हमने फाइंड आउट किया था, बताइए क्या? ऑस्कुलेटर, राइट? है ना, ऑस्कुलेटर फाइंड आउट किया था। और है ना, और डिविजिबिलिटी में हम जो है जो कर रहे थे, हाँ भाई, सूत्र एकाधिकेन पूर्विण ऐसा करके हमने किया, राइट? तो सभी थे, उनको सभी को पता है क्या करना है। हमने डिविजिबिलिटी, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी, क्या सभी को पता है? हमने जो लास्ट सेशन लिया था डिविजिबिलिटी का, मुझे लगता है सारे नहीं थे इसमें। एक बार फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि अभी तक हम जो है डिविजिबिलिटी जो करते आए हैं, कहाँ तक करते आए हैं। हमने टू की डिविजिबिलिटी किया था, और टू है, थ्री है, फोर है, और फाइव है, सिक्स है, सेवन, सेवन नहीं किया पहले कभी, इलेवन का, ये हम ज्यादातर करते आ रहे हैं, राइट? और टेन का, और तो आप मान के चलिए पीछे जीरो है तो आसान है। तो ये डिविजिबिलिटी ज्यादातर हम लोग चेक करते हैं, राइट? तो हमने ये बताया था कि जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्विण, उसके द्वारा हम एंडिंग नाइन, एंडिंग जिसके पीछे नाइन हो, एंडिंग नाइन यानी वन प्लेस पर नाइन हो, तो हम उसके उससे हम कोई भी नंबर बनता है एंडिंग नाइन से, तो हम उससे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। किसके से डिविजिबिलिटी इसमें आप कर सकते थे, बताइए? 19 है, 29 है, और 39 है। 39, 49, 59. तो ये जो जिसके पीछे 9 है, 119 है ना, 179 है, इसके पीछे भी 9 आ जाए उससे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्या 7 से भी डिविजिबिलिटी चेक की थी हमने? हाँ, कैसे किया था? तो एंडिंग नाइन बनाया जा सकता है, है ना? इसको अगर 7 × 7 कर लेंगे, कोई नंबर 49 आ गया, तो ये 49 यहाँ पर है, तो अगर कोई नंबर 49 से डिवाइड है तो वो 7 से भी डिवाइड है। क्या 13 से भी चेक कर सकते थे? कैसे? थर्टीन अढ़ाई सौ इंटू थ्री से थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई नंबर थर्टी नाइन से डिविजिबल है, हाँ, थर्टीन से यस भी यस, है ना, कोई नंबर अगर 39 से डिविजिबल है तो वो 13 से भी डिविजिबल है, तो हम 39 से चेक कर लेंगे, तो ये भी हमारा 13 से भी हो जाएगा। ऐसे क्या 17 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं? सेवनटीन सेवन द राइट, 119 है ना, सेवनटीन तो ये पीछे एंडिंग 7 आ गया, तो जिसके पीछे 3 है, 7 है या 9 है, इसका मतलब ये हो गया ना, और 1 भी, 1 भी आ जाए, 1 मतलब 9 बनाया जा सकता है, 11 का जैसे हम 99 बना सकते हैं, अगर इसी रूल को देखा जाए वैसे। 11 का यानी जिसके एंडिंग 1 है, उसका भी हम जो है अलग से एक बात करेंगे, लेकिन जिसके पीछे 1, 9, 3 है, 7 है, 9 है, इसके पीछे भी ये आ जाते हैं, सब उसकी हम डिविजिबिलिटी चेक की जा सकती है, क्योंकि इन सभी को नाइन बनाया जा सकता है ना, 1, 3, 7, 9 को हम लोग नाइन बना सकते, 9 तो ये है ही, और इसको सब हम 9 बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारा, कितनी जो रेंज बढ़ जाती है, कितना इसका स्कोप बढ़ जाता है इनसे। अभी तक तो हम केवल 2, 3, 4, 5, 6, 11, 10 से हम कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर आने के बाद आपने देखा कि हम जो है किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक की जा सकती है।
तो आइए हम देखते हैं कि पहले हमने जो किया था कैसे किया था। मैं एक दो नंबर लेता हूँ और आपकी इसमें प्रैक्टिस कराता हूँ और आप मेरे साथ करेंगे। और आज एक चीज और हम एक्सटेंड करेंगे, हम जो है इसी डिविजिबिलिटी से, ये डिविजिबिलिटी चेक होती है, वो डिविजिबिलिटी को देखते हुए हम लोग ये भी देखेंगे कि जो है इसका जो क्वेश्चन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, आइए देखते हैं। पहले डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारा जो है नंबर जो है उसे डिविजिबल होने के बाद अगर यस होता है तो हम लोग उसे क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो आइए हम देखते हैं। पहले हम जो है डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और डिविजिबिलिटी मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, आप सभी नोट करें। और हमने ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। एक नंबर है वो है 9348, लिख लीजिए 9, थोड़ा सा खुला खुले लिखेंगे 9348, हमने ऐसे लिखा। और हमने डिविजिबिलिटी वाइज चेक करनी है किससे, 19 से। तो हमने क्या किया था, क्या करेंगे हम, सर 19 हमेशा प्लस उस वन के करेंगे उस तो ये 20 आया, 0 कैंसिल करेंगे और 2 को जो नाम लिखेंगे वो ऑस्कुलेटर उसके लिखेंगे, राइट? है ना, आपको पता होगा ज्यादातर ऑस्कुलेटर। और ऑस्कुलेटर से हम क्या करते हैं बताइए, जरा क्या करते हैं, जिनको पता है वो बताएं। ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई और इससे पहले वाले डिजिट को ऐड करेंगे। यस, ऑस्कुलेटर से वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीवियस को हम ऐड कर देंगे, यानी 8 × 2 है ना प्लस 4, तो क्या बन गया हमारे पास 16 + 4, यानी ऑस्कुलेटर से ट्वेंटी मल्टीप्लाई किया है ना और प्रीवियस ऐड किया तो क्या बना हमारे पास, क्या आया हमारे पास, 20 आया, राइट? है ना, 20 आया। तो अब क्या करना है, फिर दोबारा से हम ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब केवल सारे नंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन हम वंस प्लेस को करें बस, और जो 10 प्लेस का ऐड कर देंगे और प्रीवियस भी ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखें। हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 प्लेस भी ऐड करेंगे और प्रीवियस भी ऐड करेंगे, तो व्हाट यू गेट, क्या बन गया, 2 0 × 2 0, 0 + 2 + 3 क्या बन गया हमारे फाइव पास, 5 बन गया, राइट? है ना, 5 बन गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम दोबारा से यस आगे सर क्या करेंगे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, टू 2 से से, और ऐड क्या करना है, प्लस 9, नाइन ये 19 आ गया, राइट? ठीक है, यस 5 × 2 10, 10 + 9 19 हो गया। अगर ये लास्ट जो नंबर, लास्ट जो रिजल्ट है 19 आ जाता है तो हमारा जो परिणाम है, हमारा जो नंबर, गिवन नंबर है वो जो है डिविजिबल है 19, नाइनटीन डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबल बाई 19, तो अगर ये 9 आता है। अगर सारा कर लेंगे, सारा अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस लेना है तो तब भी हम जो है 10 प्लेस ना लेकर पूरा नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब भी ये जो हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर टू ऑल, किसी को डाउट है कि हमने पहले नो ऑस्कुलेटर सर निकाला है, ऑस्कुलेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है और प्रीवियस ऐड करना है, तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 16 में प्रीवियस ऐड किया तो ये 20 आया, 20 में फिर क्या करेंगे, वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस यानी 10 प्लेस भी ऐड किया और प्रीवियस डिजिट भी ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट? फिर वही उसी को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस ऐड किया, यू गेट 19। अगर ये 19 आ जाता है तो ये जो है हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई किसी को डाउट है, कोई किसी को डाउट नहीं है, है ना? नो तो सर है ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अच्छा, अभी मैंने पिछली बार जो है आपको ये नहीं बताया था कि हाउ टू फाइंड क्वेश्चन, है ना, हाउ टू फाइंड, इसी का क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब 19 से डिविजिबल है तो क्या ये जो है इसका क्वेश्चन भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक जो हम डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी आप करते आ रहे थे, राइट, आपने क्या डिविजिबिलिटी चेक करके क्या हम जो है ऐसा कोई मेथड था
जिससे हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते थे। है कोई मेथड ऐसा? डिवीजन ही एक ऐसा मेथड है कि जिससे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है ना? क्या और कोई मेथड भी है क्या इसका? क्या और कोई मेथड है इसका? मुझे लगता नहीं है शायद। है कोई मेथड? मुझे लगता नहीं है, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। अब इसका इसका मेथड क्या है? देखिएगा, इसका मेथड मैं आपसे सामने रख रहा हूं कि हम जो है ये चेक कर रहे हैं कि ये जो है हमारा 19 से अगर डिविजन हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो इट मीन ये 19 से पूरा डिवाइड हो गया है, और इसका क्वेश्चन भी इसी मेथड से किया जा सकता है। आप यहां से क्या करो, जो आपके नंबर आए हैं, ये जो वंस प्लेस जो है, आप जो है लास्ट का जो वंस प्लेस है, आप जो है वंस प्लेस आप वंस प्लेस लास्ट को जो है वंस प्लेस आप देखते रहिए। इसका वंस प्लेस क्या होगा? इसका जो वंस प्लेस 8 होगा, यहाँ पर वंस प्लेस आप देखते रहिए। और एक सूत्र आपने पढ़ा था, सूत्र कौन सा था? सूत्र 2। कौन सा सूत्र था? सूत्र बताइए, 2 निखिलम है ना, पढ़ा होगा ना आपने, निखिलम नतस्य चर्मम दस्तः, ये आपका सूत्र था, ठीक है? यही सूत्र था ना, पहले पढ़ा होगा आपने दस्तः, ये सूत्र था, ठीक है? तो हम इसको, इसका मतलब क्या, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ इसको जो है, कैसे लिखता हूँ? निखिलम निखिलम नतस्य चर्मम दस्तः, ये आपको याद हो जाने चाहिए सूत्र, क्योंकि वहां लिखने पड़ेंगे कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? निखिलम मतलब पहले वाले 9 में से, सारे पहले वाले 9 में से, और चर्मा मतलब लास्ट, दस्तः दस्तः मतलब 10 में से। इसका मतलब यह है कि पहले वाले 9 में से माइनस करो, ये भी 9 में से माइनस करो, और ये भी 9 में से करो, और लास्ट जो है ये 10 में से माइनस। तो बताइए क्या बना? 9 में से 9 क्या क्या हुआ? 0 है ना, और 9 में से 9 क्या क्या हुआ? 0, और आपका 9 में से आपका जो है 9 में से 3 गया, कितना बन गया? 5 भी था ना क्या? नौ में से 9 गया 0, और ये 0, और इसका जो है क्या बनेगा? देखिए, नौ में से 3 का क्या बना? 6, और 10 में से 8 गया, क्या बना हमारे पास? 2 है ना, 2 बना। और आगे जो है इसमें जो ये जो सूत्र है हमारे पास, जो 19, इसमें थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई, देखे जरा मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है क्या? हाँ, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है, ये जो मैं दोबारा से लिखता हूँ, आपको भी कंफ्यूजन हो गया, मुझे भी, क्या मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ ये कंफ्यूजन क्या हुआ। हमने ये लास्ट ये माना, ये लास्ट नहीं है, 20 लास्ट है, हमने यहाँ से 5 लास्ट है, और यहाँ से 19, राइट है ना? ओके, यही मिस्टेक हुई ना, 9348। मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको कल कोई कंफ्यूजन ना हो, 9348। हमने क्या किया था, ऑस्कुलेटर लिखा था, ऑस्कुलेटर हमारा 2 आया था, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना और प्रीवियस ऐड करना, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर? 8 दूनी 16, 16 4 20। फिर हमने हमने क्या करा, 0 को हम लास्ट अलग से लिख देते हैं ताकि आपको मिस्टेक ना हो, 0 इंटू ऑस्कुलेटर से,
और 10 प्लेस को ऐड करना और प्रीवियस को करना है। तो ये आ गया 0 + 5, ये 5 आ गया। फिर वही काम करना है, फिर क्या करना है, अगला जो स्टेप है, क्या स्टेप है अगला, अगला स्टेप 5 × क्या 2 + 9, तो क्या बना हमारे पास 19, तो ये 19 होगा। ये अलग से लिख लिया करो ताकि कोई समस्या ना आए आपको, ठीक है। और हमने ये जो 20 आया था वो कैसे आया था, 8 × 2 + 4, ठीक है, अलग से लिखा आपने ताकि आपको कोई वो, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया है ना। तो इसमें आप देखिए, अब हमने क्या बताया आपको, ये 9 9, ये 9 है, आप ये आपका 5 है और ये 0 है और ये आपका 8 है, आपका ये 8 है। क्या करना है, आपका सूत्र कौन सा बताया आपने, निखिलम नवतस्य चरमम दस्ते। तो हमने क्या करना है, सारे पहले 9 में से माइनस करने हैं और लास्ट जो है ये 8 जो है किसमें से करना है, 10 में से माइनस करना, राइट। तो क्या हुआ, 9 - 9 क्या हुआ, 0। 9 - 5 क्या हुआ, क्या हुआ 9 - 5 4, और 9 - 0 क्या हुआ 9, और 10 - 8 क्या हुआ 2। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 9 - 9 है और ये क्या है 9 - 5 है और ये क्या है 9 - 0 है और ये क्या है, ये क्या है, ये 10 - 2 है, राइट। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा इसमें कि किस प्रकार से हम देखेगा, हम इसका जो इसका हम ऑस्कुलेटर भी जो है फाइंड आउट करके डिविजिबिलिटी भी चेक कर रहे हैं 19 से, जो कि अभी तक हम जो है किसी मेथड से नहीं कर पा रहे थे। हम इसने डिविजिबिलिटी भी चेक की और हमने इसका क्वोशेंट भी निकाला, अभी तक हम शायद ये नहीं कर पा रहे थे, और हमने जो है यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स से इससे हम डिविजिबिलिटी भी किसी नंबर की चेक कर रहे हैं। और ये जो है अभी हमने 19 से किया है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ तो आप मुझे उसका बताना कि क्या वो नंबर डिविजिबल होगा, और होगा तो क्या उसका क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं होगा तो उसका हम क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9 8 6 8 8, आपको डिविजिबिलिटी बाय हमने चेक करना है बाय 29। बताइए 29 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, व्हाट इज द ऑस्कुलेटर ऑफ 29 सर, 3। 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो हमने ये बताना है कि क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं, बताइए लास्ट डिजिट फाइंड आउट करिए, लास्ट रिजल्ट क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द लास्ट रिजल्ट, यस बताइए, व्हाट विल बी द लास्ट रिजल्ट यूजिंग ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर का प्रयोग करते हुए हम जो है अब निर्धारित करेंगे कि इसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा, लास्ट परिणाम, अंतिम परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को के द्वारा ही हम चेक करेंगे। यस बताइए, हैं डिविजिबल नहीं है सर, ये क्या आया लास्ट रिजल्ट, क्या आया 28 आएगा, यस सर 28 तो शायद नहीं आएगा, देखो तरह दोबारा से करके देखिएगा। चेक करिए एक बार दोबारा से, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो ये ऑस्कुलेटर आता है 1 + करके 0 हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिजिट को किससे, 3 से, और ऐड करते हैं प्रीवियस, राइट। कितना आया ये, कितना आया, ये आया 32, है ना, 32।
32, तो टू यहाँ 32 लिख दिया हमने। फिर हमने क्या करना, जो आता जाए उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, बट हम पूरा डिजिट नहीं लेंगे, हम केवल यूनिट प्लेस को ही लेंगे, है ना। 2 इंटू 3 और 10 प्लेस एंड प्रीवियस ऐड करेंगे, तो 10 प्लेस क्या हो गया 3 और प्रीवियस हो गया 6। तो क्या हुआ हमारे पास, 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 क्या हो गया, 15 हो गया, राइट। यहाँ 15 लिख दिया। फिर हम इसका वंस प्लेस ले लेंगे, तो वंस प्लेस 5, वही ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस को ऐड करना है और प्रीवियस भी ऐड करना है, ये प्रीवियस था 8, तो क्या हो गया 15, फिर 16 और 8 24 हो गया, राइट, है ना। ये 24, तो यहाँ आगे 24 लिख दिया हमने। फिर हमने वंस प्लेस लेना है, वही सेम 24 का 4 लेना है और प्लस प्रिसीडिंग यानी 10 प्लेस करना है और प्लस प्रिसीडिंग करना है। तो क्या हुआ हमारे पास, 4 12 2 14 और 9 23 हो जाए, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर, तो क्या ये डिविजिबल है? नो सर, नो, लास्ट रिजल्ट इज 23, ऐसे लिख देंगे। अगर ता ऐसे लिख देंगे, ता लास्ट डिजिट 23 है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 20, नॉट डिविजिबल, ऐसे लिख देंगे आप, नॉट डिविजिबल बाय किसे, 29, ठीक है। सो अगर ये 29 से डिविजिबल नहीं होता है तो हम इसका क्वोशंट भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम जो है उसी का क्वेश्चन निकालेंगे जो पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टूड टू ऑल, है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई जो लेट जुड़े हैं तो उसमें बता सकते हैं, तो मैं उसको बता भी सकता हूँ। आई थिंक यू अंडरस्टूड, राइट। ठीक है, आइए इसी में और आगे चलते हैं, और मेरे साथ में जो है पूरा सहयोग करते हुए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इसको समझिए और करते रहिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, और कोई कंफ्यूजन आए तो आप पूछ सके, है ना। तो आप एक नंबर लिखिएगा, 281, थोड़ा खुला खुला लिखें ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, 281 और 22, ठीक है। और आपने जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो बाई करनी है 129 से। यस, आप देखिए कितना सुंदर, आज तक हमने सोचा नहीं होगा कि हम इतने बड़े नंबर से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो बताइए ऑस्कुलेटर क्या होगा इसका, सर 13, वेरी गुड, 13, ठीक है। तो 0 कैंसिल किया हमने, तो ये ऑस्कुलेटर 13 आ गया है, ठीक है। तो आइए चेक करिए इसका, 13 से, 13 से मल्टीप्लाई करते जाएं और बताते जाएं क्या ये जो है 129 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या बताइए, क्या आ रहा है? यस, बताइए यस और नो। बताइए यस और नो, सर है डिविजिबिलिटी है, राइट। किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड, आपने देखा और ये बताया कि ये डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो क्या इसका क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं? बताइए जरा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, सर, बताइए क्या क्वेश्चन क्या आएगा इसका, क्या क्वेश्चन आएगा? बताएं शाबाश। 218, हाँ जी, 218, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा,
क्या नाम है आपका? प्रीति। सर प्रीति। वैस प्रीति ने बहुत बढ़िया बताया कि इसका जो क्वेश्चन है, वेरी गुड बेटा। तो 218 इसका जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है कि 218 कैसे आया? किसी ने पूछना है इस बारे में, 218 कैसे आया? किसी को एक्सप्लेन करवाना है या सबको समझ में आ गया कि 218 कैसे आया? कोई बोल नहीं रहे हैं इसमें? ऑल इज ओके और नॉट? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक इट्स ओके, है ना? कि कोई बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ये समझूंगा कि सभी को क्लियर हो रहा है। और इसी प्रकार से आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए हम उदाहरण लेते हैं। 1 2 1 2 वन टू और लिखिएगा 17 26 05, 17 26 05। और आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 29 से। 29 से तो आप अगर डिविजिबल होता है तो उसका क्वेश्चन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? और मुझे क्वेश्चन बताना है अगर ये डिविजिबल होता है तो हाउ टू गेट दिस। यस बेटा बताइए। सर डिविजिबल है और इसका क्वोशेंट आएगा 419745। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो आपने देखा कितना जो है बढ़िया मेथड है ये, और कितने अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई ये 29 से डिविजिबल है और इसका जो क्वेश्चन भी हम जो है इसी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो है अभी तक जो काम नहीं कर पाए हैं और ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स से वो सब कर पा रहे हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम जो है एक पॉइंट और लेंगे इसमें। वो पॉइंट ये है कि अगर ये एंडिंग 3 ना हो, एंडिंग हो 3 9 ना हो और एंडिंग हो 3 या 7। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूं जो डिवाइजर है, जब आपका डिवाइजर एंडिंग क्या हो, डिवाइजर एंडिंग 3 और 7, कोई इनमें से एक, तो इनको 9 बना सकते हैं ना? 9 बना सकते हैं क्योंकि 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो गया, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 7 आपका 49 आ जाएगा, जिसमें एंडिंग 9 है। तो आइए इसमें एक नंबर ऐसे चेक करते हैं और डिविजिबिलिटी वाई हम उसे चेक करते हैं। और जो है जिसके एंडिंग में 3 है, तो पहले वो ऐसे नंबर लेते हैं। तो आप देखें, मैं नंबर आपको बोल रहा हूँ 4 6 0 2 3। तो 2 3, और ये आप देख ही रहे हैं,
और ये भाई 23 से हमने चेक करना है, 23 से चेक करना। तो हम लोग, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर देते हैं जो एंडिंग 9 हो। अब इसको एंडिंग 9 कैसे बना सकते हैं, एंडिंग 9 कैसे बना सकते हैं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंडिंग 9 हो जाए, राइट। तो ये 69, तो ऑस्कुलेटर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर होगा इसका 7, राइट। सेवन तो हम जो है इस नंबर को थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लास्ट में 3 है, ठीक है। तो आइए इसको 06026046023 है ये। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हम किससे ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और हम प्रीवियस डिजिट ऐड कर देंगे। क्या आया हमारे पास, ये आया 21 और 23, 23 आया। तो ये जो नंबर आया 23 आया। और सर, डिवाइजर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हाँ जी, डिवाइजर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिवाइजर कौन सा डिवाइजर, सर, 46023 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ नहीं अभी मत करो। वैसे तो आपका जो है ये बहुत अच्छा सजेशन है कि हम जो है यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ये तो आपका बहुत बढ़िया अच्छा आएगी आपका सजेशन है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और अभी मैं जो आपको बताऊंगा वैसे भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। ये बहुत बढ़िया आपने बेटा बताया है कि हम जो है, हम अभी हम बात कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी, आप जो बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि हम जो है ऊपर, जैसे कि आप ये बात कर रहे हो अगर डिवीजन करना है ये 4 6 0 2 3 से और अपॉन 23 से, अगर आप बात कर रहे हो कि ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब होगा जब आपका पूरा नंबर डिविजिबल हो, राइट, पूरा डिविजिबल है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं, राइट, ठीक है बेटा, यस है ना। अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको कि तब कर सकते सर, हैं जब आपका जो नंबर है पूर्ण रूप से हो। लेकिन ये हो सकता है ये उसमें भी, इसमें भी लग जाए, लग जाएगा, मुझे लगता है ये लग जाएगा। हाँ ये कंसेप्ट लग सकता है, अगर पूर्ण रूप से अगर डिविजिबल नहीं है तब भी अगर 3 से मल्टीप्लाई पहले कर दें तो कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है। यस बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब ये देखिएगा, ये जो 23 आया, हम फिर वही काम करना है कि वंस प्लेस को लेना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है और प्रीवियस ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आया, ये 21 आ गया है, भी तो प्लस ठीक है करेंगे इसमें, हैं? टू भी तो प्लस होगा सर, कैरी। हाँ 2 भी करना है, दैट्स वेरी गुड। ये 23 हो गया, ठीक है। 3 से यस सर, मल्टीप्लाई को, 3 को हमने 7 से करना है और 2 से भी करना है। फिर क्या करना है, 23 आया है, फिर 3 आके हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करें, फिर 3 हो से जाएगा। करना है, 7 से करना है और 2 ऐड करना है और 6 भी ऐड करना है। तो क्या हुआ हमारे पास, 21 + 8 29 आ गया, ठीक है, ये 29 आ गया। फिर हमने किसे करना है, 9 को 3 से नाइन करना को किसे करना है, है, 7 10 से से करना है सर। और 2 ऐड करना है